बापरे गौरी से 10 मिस कॉल. हेलो हेलो गौरी, अगं तुझे 10 मिस कॉल होते, काही प्रॉब्लेम झालाय? बहिणी अगं, आजीला शंका आली आहे तुझ्यावर. म्हणजे ती मला फार प्रश्न विचारत होती आणि हे बघ, मी आज खोटं बोलले पण परत नाही जमणार मला. गौरी मला काहीच कळत नाहीये, आजी काय करेल काहीच सांगता येत नाहीये. हे बघ, मी काय म्हणते, आजी जर फार भडकली असेल ना तर तिला सगळं खरं सांगून टाक. आता रिस्क नको घेऊस तू. ठीक आहे ठीक आहे, बाय. माझी म्हातारी, माझा सगळा खेळ संपला असं का वाटतंय मला? हा नची पण ना बेभरवशाचा माणूस आहे बापासारखा. इतक्या वेळा फोन केला तरी उचलेल तर छप्प. काय झालंय, कुणावर वैतागलीस तू? अगं तो ह्या काय, कुणाला फोन केलाय? अगो दुसऱ्या कुणा करणार, दाबाई बाबू का करतोय का काय? पण ते उचलतायत का? उचलतील तर सावन कसले ते. तुझं माझं जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असं झालंय तुझं. तसं नाही गो, आता जाबाई बापना बाहेर जाऊन भरत दिवस झाले ना, मला आठवण येईल त्यांची. हो हा, अगो मी बोलू कोणावर बर, घरी एकटी असतय ना मी. मग बोलाक मिळत नाही मला, म्हणून माझा तोंड दुखता माहितीये. मग यांच्याबरोबर बोलला की जरा मोकळा होतो माझा घसा. मग काय ठरवला शेवटी? फोन वरून त्यांच्याशी जुगलबंदी करूची. काय अग आई, ते ट्रेनिंगला गेले आहेत ना, ते नाही उचलणार कुणाचाही फोन. फक्त एकदा बस, पुरे पुरे, शांत बस. आता तू शांत, चहा घे, थंड होईल. चल बस इकडे. काय चाललंय काय तुझं? काय तरी. चल येत बस, इथे थंड होईल ना चहा, ते नंतर करत बसता येईल तुला. घे. मी घेते, मी घेते. हॅलो हॅलो आई, मी नची बोलतोय. अगं मीटिंग मध्ये होतो त्यामुळे फोन उचलता नाही आला. तुझे 5-6 मिस कॉल दिसले म्हणून फोन करायला बाहेर आलो. काय झालं, काय सगळं ठीक आहे ना? नाही नाही अरे, अशात बोलणं झालं नाही ना म्हणून आम्ही फोन करत होतो. अच्छा ठीक आहे, सगळं ठीक आहे ना? आणि तू कधी येतोयस? कॉन्फरन्स आज संपते, उद्या पोचतोय मी. बर मी ठेवू फोन आता. जपूने काळजी घे. हा बाय. चल बाय. नचीने मध्येच कसं काय फोन केला? मध्येच नाही केलाय फोन, 5-6 मिस कॉल आले त्याला आपल्या नंबरवरून. नचीला फोन केला होतास ना तू? हो. मग खोटं कशाला बोललीस आई? हा यांना फोन करत होतीस म्हणून का केलंस नचीला फोन? काय चाललंय तुझं? अगो मग काय करणार, तुम्ही कोणी काय बोलत नाही म्हणून म्हटलं मीच सांगू या नची. काय काय सांगायचंय? काय नाही, निशाचे नाटका. ऐक, कसली नाटक ग, काय चालवलंयस तू? अगो मी नाही, तुझ्या सुनेचे नाटक चालले आहेत माहितीये. कधी डाव्या पायन लंगडता, कधी उजव्या पायन लंगडता, एखादी वस्तू उचलूची असतात ना ते एकदम उचलता. काय चाललं या? मला ना काहीतरी डाऊट येता बघ. अग डाऊट कसला ग? हे बघ आई, तू आता नव्या वादाला तोंड फोडू नकोस. हा अग वाद कसला याच्यात? मागच्या वेळेला पण तू विश्वास ठेवला नव्हतास. हिच्या जवळ असलेल्या सगळ्या नोटा मी पकडून दिल्या होत्या की नाही तू का? हा पण मागा तू खोटा ठरवलास. पण या वेळे ना तिका मी सोडणार नाही, कळला? तिचा पर्दाफाश करणार आहे बघ तू आता. काय झालंय? कसला पडदा, कसला फाश? मी तुझ्या सासरेक सांगत होता कि तू कधी डाव्या पायन लंगडतोस, कधी उजव्या पायन लंगडतोस, तर म्हणजे एखादी वस्तू उचलताना पटकन असं उठतस ना, ता सांगत होते मी. मी हातपाय धुंडून येते. अगं
तुला खरंच वाटतंय का ही नाटक करते? हे बघ, तुम्ही दोघी माहिले की ना बावळटात एक नंबरच्या, कळलं ना? हा ना, तुला काय समजत ना त्या गौरीक काय समजत? म्हणजे तू गौरीलाही फोन केलास? कठीण आहे. आलस तू? अरे जगे हो आप? बताया था ना हमने देर से आएंगे, खाना खा के आएंगे, बोलो था ना, फिर क्यों जगे हुए हो? सोए क्यों नहीं? नहीं कहीं नहीं, झोप लागत ना होती म्हणून. अब क्या हो गया? शिवरे प्रकाश जीजाजी केस हार ले, त्यांची नौकरी गेली. टेंशन लेने की क्या बात है, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, यही फल मिलेगा और क्या होगा. क्या बोलते हो इस? त्याचा उर्मिला जीजींच्या आयुष्यावर वाईट परिणाम होतो है ना? तो क्या करें बताइए ना. ऐक ना, मी बाबूजींना विचारलंय, आपण बोलूयात का प्रकाश जीजींशी? बदतमीज इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं. शिवरे कितने बदतमीज इंसान है वो पता है आपको? असं काय करतोस तू? कितीही झालं तरी उर्मिला जीजींचा नवरा आहे तो, त्यांना काळजी वाटते त्यांची. हे बघ, उर्मिला जीजींना असं वाटलं होतं की त्या माहेरी निघून येतील ना, तर प्रकाश जीजाजींना पश्चाताप होईल, त्यांची चूक लक्षात येईल त्यांच्या. पण झालं सगळं उलटच ना. हे बघ, आणि मला असं वाटतंय हे असंच चालत राहिलं ना तर हे नातं फार काळ टिकणार नाही आणि त्याचा त्रास होईल उर्मिला जीजींना. खूप डिस्टर्ब आहेत त्या, आजही एकट्याच होत्या खोलीत. आपण काहीतरी केलं पाहिजे ना त्यांच्यासाठी. अच्छा एक बात बताइए, वो मतलब ये वाली बात पता है दीदी को? नाही ना, म्हणजे हे सगळं त्यांना कळेल तेव्हा काय होईल काहीच समजत नाहीये. चलिए हम फ्रेश होके आते हैं. प्रकाश जी ने हमें गलत समझ लिया. उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हमने एक कदम उठाया और वो उल्टा हमसे नाराज हो गए. हम एक बार उन्हें फोन कर लेते हैं. हो गई तुम्हारी तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंडक? वैसे अब तक तो मोहल्ले में मिठाई बटवा चुकी होगी तुम. और हाँ, तुम्हारे घर में हमारी बर्बादी का जश्न मन रहा होगा अभी. ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो हाँ, तुम तो अब खुशी हो जाओ क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी तो मन्नत पूरी हो गई. अब हम ऊपर की कमाई नहीं कर सकेंगे. तो महारानी जी, अब आप एक काम कीजिए, हमें डिवोर्स के पेपर भिजवाई दीजिए और हमेशा आपके लिए हमसे छुटकारा पाइए. क्योंकि क्या है ना, अब हम आपके लायक नहीं रहे हैं. हेलो हेलो, भैया प्लीज हमें बचा लीजिए.
अगर हमारी शादी टूट गई तो हम भी टूट जाएंगे। सरला क्या है? अरे कभी तो अपनी ये बड़ी बड़ी लट्टू जैसी आंखों का इस्तेमाल करो, हैं? सॉरी अम्मा जी, वो क्या ना, शिव भाई और गौरी को जल्दी जाना है तो उनके लिए टिफिन लेकर जा रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, नाश्ते का क्या किया? हाय अम्मा जी, ये टिफिन के चक्कर में तो रह गया, भूल गए बिल्कुल। अब क्या करें? अब क्या करें हैं? जल्दी से आटा निकालो, गूंथो, हम गरम गरम पराठे उतार देंगे। चलो। लेकिन ये टिफिन ला, हमें दो, हम दे देंगे, ला। खड़ी रहोगी? आटा निकालो। हाँ, जी। परेशान हो गए। शिव, प्रकाश जीजाजी काही म्हणाले तरी तू चिडू नकोस। आणि ऐक ना, म्हणजे त्यांना आपण हे जाणून दिलं पाहिजे की आपल्यात कितीही भांडण झाले तरी आपण अशा अडचणीच्या वेळी त्यांच्या सोबत असू। आपल्याला आधार द्यायचा आहे ना त्यांना। उन्होंने उलटी सीधी बातें बोली तो हमें भला बुरा कहा तो? तरीही आपण उलट उत्तर द्यायचे नाही आहेत। हे बघ, आपण शांततेत बोलू त्यांच्याशी आणि आधार देऊ। लेकिन गौरीजी अब हे बघ, तू बाबूजींनी हे काम आपल्याला खूप विश्वासानं दिलंय ना, मग त्यांचा विश्वास तुटता कामा नये। कळतंय का मी काय म्हणते? सब समझ रहे हम। अब चले जल्दी, दुसरे काम भी करने हमें। सगळं घेतलं ना तू? अरे मुन्ना, गौरी क्या कर रहे हो बेटा? अरे डब्बा भूल के जा रहे हो, लो डब्बा लो। अम्मा जी आपने क्यों ये सब तकलीफ ली? अरे लो ना। अरे बेटा हमने नहीं, सरला ने बनाया है, हम तो सिर्फ लेकर आए हैं। अम्मा जी मैंने तो मना किया था उन्हें, फिर भी उन्होंने तकलीफ क्यों की? मैं बेटा इसमें तकलीफ की क्या बात है? हाँ अब देखो तुम हमारे मुन्ना को कितना खुश रखती हो, और हाँ राम की हिसाब किताब में मदद भी करती हो, और ऊपर से नौकरी करने भी जाती हो, तो तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज नहीं है, हैं? बताओ। अम्मा वो देखो बेटा, आप सारी बातें शाम को होंगी, जाओ ऑफिस जाओ, देर हो जाएगी, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ। जी अम्मा। अरे खुश रहो। जीती रहो जीती रहो। हाँ ध्यान से जाना, जा। सॉरी सर। पेपर पढ़ रहे हैं। हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्या हुआ? आप क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? हमने आपको मना किया था ना, उसके बावजूद आपने गौरी को उर्मिला के ससुराल जाने की इजाजत क्यों दी? वो इसलिए क्योंकि गौरी ने हमें समझाया कि प्रकाश बाबू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हमें ये बात ठीक लगी इसलिए हमने इजाजत दे दी। हाँ लेकिन ये भी कह दिया था कि इस मुद्दे पर हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन क्या नर्मदा जी, आप खामखा नाराज हो रही हैं। देखिए गौरी जो कुछ भी कर रही है हमारी बेटी की शादी बचाने के लिए कर रही है। अच्छा, शादी बचाने के लिए कर रही है, ये अच्छा है। पहले सब कुछ बर्बाद कर दो फिर बचाने की नौटंकी करो। क्या कह जा रही हैं आप? क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? वैसे क्या गलत कह रहे हैं? सही नहीं कह रहे? ये सब कुछ गौरी की वजह से बर्बाद हुआ है ना। आपको याद नहीं है उसी ने शिव से कहा था ना प्रकाश जी से बात करने के लिए, उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि प्रकाश जी की मम्मी आ गई थी लड़ने के लिए। याद है या भूल गए आप? तब की बात और थी, आपका माहौल अलग है। देखिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार सब ठीक हो जाए। आप भी ठीक रही? सब कुछ ठीक हो जाए, इन्हें फर्क कैसे नहीं पड़ता है बेटी की जिंदगी। अभी जीजा जी को फोन करते हैं। भाभी श्री का फोन। हेलो। जय गंगे जीजा जी। जय गंगे भाभी श्री। जीजा जी देखिए हम बहुत परेशान हैं। हम क्या कह रहे हैं? इससे पहले गौरी उर्मिला के ससुराल में जाके मामला बिगाड़ दे, आप जाके संभाल लीजिए जीजा जी। कहीं ऐसा ना हो कि गौरी की वजह से
हमारी उर्मिला की जिंदगी बर्बाद हो जाए। भाभी श्री शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम अभी उर्मिला के ससुराल जाते हैं। का कहीं इस गौरी की वजह से हमारी उर्मिला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की यहाँ आने की? मम्मी जी, ये कोई हिम्मत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि ये जानने के लिए आए हैं कि नौकरी जाने के बाद हमारा हाल कैसा है। हमारी बर्बादी का मजाक उड़ाने आए हैं ये लोग। मजाक? अरे मजाक तो अब इन लोगों का उड़ेगा बेटा। जब उर्मिला से तुम्हारा तलाक करवाएंगे ना, और चांद सी बहू लेकर आएंगे लाखों रुपए दहेज के साथ, तब देखना है? और हाँ बेटा, लक्ष्मीपुरी खीरी वाले जीजा जी से कहकर दूसरी जगह तुम्हारी नौकरी भी लगवा देंगे। फिर दिखा देंगे तुम लोगों को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। देखिए आप जो ये बातें कर रहे हैं। एक मिनट, हम आप लोगों को कम नहीं समझते, आपकी इज्जत करते हैं हम, इसीलिए तो विनती करने आए हैं। देखिए जो कुछ भी हो गया अब उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। और हम सब आपके इस मुसीबत में आपके साथ हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम सब मिलकर आपकी परेशानी दूर कर देंगे। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, क्यों मम्मी? हाँ, कोई समस्या नहीं है। अरे प्रकाश की नौकरी ही गई है, अभी भी इतना है हमारे पास कि हमारी सात पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। इतना जमा किया है हमने, और हाँ, हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही हम तुम्हारे टुकड़ों पे पलना चाहते हैं। सुन लिया? अब बेशर्मों की तरफ मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, धक्के देके। आईक रहे सिर्फ सिर्फ अरे ऐकून तो रही है माजा, तू काय का चढ़तो है? सिर्फ ऐक ना, तू इतनी का काय करतो है? त्यांचा राग तो शांत होऊ द्यायचा। उनका गुस्सा शांत नहीं होने वाला था, वैसे भी ये लोग बात करने लायक नहीं। हो पण तू ऐकून तो घे ना माजा एकदा। गौरी जी आप बाइक पे बैठिए वरना हमारा गुस्सा बढ़ जाएगा। मला बसू दे। गए, बड़ा अच्छा बदला लिया हमने हमारे अपमान का, है मम्मी जी? अरे वाह वाह वाह, मम्मी जी के बेटे हैं, बहुत बड़ा तीर मारा ना तुमने काके ही। थैंक यू मामा जी। अरे मामा जी के भांजे, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ताने मार रहा हूँ, समझे? और हम ये क्या देख रहे हैं जिज्जी, तुम दोनों की झूठी शान की रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हम सही कह रहे हैं चक्की चिची, समझो और अपने लाडले को समझाओ, ज्यादा नहीं फैले वरना रायता फैल जाएगा, तो फिर समते नहीं समतेगा। काकी मामा जी, शांत भांजे उर्फ भतीजा दामाद, अपने मामा की बात को ध्यान से सुन, जाकर अपने ससुराल वालों से माफी मांगो, वरना झूठी शान की अखड़ में रहोगे ना तो ये घर द्वार सब बिक जाएगा और तुम दोनों सड़क पर नजर आओगे काकी। लेकिन 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 छोड़ो, लेकिन वो जयसवाल के कर्जे के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो तुम्हारे कोरट कोर्स के लिए लिया था, सिर्फ एक महीने के लिए लिया था जिज्जी, एक महीने के लिए। वो जयसवाल बहुत खतरनाक आदमी है। फिर ये मत कहना कि मामा आपने बताया नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ, हमको जयसवाल के पैसों का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा जिज्जी, वरना वो जयसवाल हम सबका जीना हराम कर देगा काकी। और सुनो, जाकर अपने ससुर के चरणों में दंडवत प्रणाम करो, माफी मांगो और माफी मांग के उनका दिल जीत लो, और बाद में उनके व्यापार में ऐसी सेंध लगाओ, ऐसी सेंध लगाओ कि उनकी तिजोरी का सारा माल निकल के मेरी और तुम्हारी जेब में आ जाए काकई। फिर मामा और भांजे दोनों मिलके जिंदगी के सही ऐस करेंगे काकई। एकदम सही।